देखो हमारे दोस्त लोग भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे सबसे बेस ये वाला लगता है, बताए। इस वाले में एकदम पानी वाले पियो, राइस बियर पियो, साथ में सुंदर लड़की थे वो देखने को भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। और बहुत सुंदर लड़कियां भी होते हैं, वो दूसरा बात है। सो गाइस, आप लोगों को बता दो, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है ना, जैसे कि नागालैंड में टोटल 16 ट्राइब के लोग रहते हैं, और 16 ट्राइब मतलब सिर्फ नॉट ओनली 16 ट्राइब, जैसे कि कसारी ट्राइब है ना, कसारी ट्राइब में भी 2-3 और एड है वहाँ पे, पर उन लोगों सब मिला के कसारी बोला जाता है। तो यहाँ पे टोटल यार 50 लैंग्वेज से भी ज्यादा बोला जाता है सर, अगर मैं गलत हूँ तो माफ कर देना, बट कोई बात नहीं। और अभी हम लोग आए हैं ये चुम्पो ट्राइब, ये कौन सा है मैंने पहली बार सुना है, पर उन लोगों का दृश्य काफी ज्यादा सुंदर है यार। ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़की है यार। तो ये पीछे जो ट्राइब आप लोगों को दिख रहा है ना, मैं उन लोगों के साथ बात करने के लिए करीब यहाँ पे 10-15 मिनट से रुका हुआ हूँ, बताया बहुत लोग उन लोगों के साथ फोटो क्लिक करने आई रहे, और बहुत लोगों का फोटो तो मैंने अपने हाथों से खींच के दिया उन लोगों को फोन लेके, कैमरा मैन बन गया हूँ, बट कोई बात नहीं यार, लोगों का खुशी भी हमारा खुशी है। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है, बताए तो मैं चाहता हूँ कि बात करूँ उन लोगों से। तो आप लोगों का कॉस्ट्यूम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और वैसे लड़कियों का कॉस्ट्यूम भी काफी ज्यादा सुंदर है, और लोटा का लड़कियां लोग भी काफी ज्यादा सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, देखो कितना ज्यादा खूबसूरत है भाई, सॉरी। ये देखो भाई, ये किस चीज पे इस्तेमाल किया जाता है भाई, ये कौन सा चीज में इस्तेमाल किया जाता है? प्रोटेक्शन जब वार करते, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। देखो, और वैसे उन लोगों का ड्रेस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, देखो, और वो लड़की भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ, रेसलिंग देखना किसको पसंद नहीं है, जैसे कि आप लोग भी बहुत बार देखा होगा WWE ऐसा कुछ कुछ होता है ना, जहाँ पे फाइटिंग होता है, रेसलिंग होता है ना, आज मैं आप लोगों को लाइव रेसलिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नागा रेसलिंग है, सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नागा रेसलिंग में क्या क्या हो रहा है, चलो पूरा यार फाइटिंग दिखेगा आपको। वैसे रेसलिंग का जो रूल है ना, वो उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, बस देख के मजा आएगा। देखो दिखाता हूँ, वो देखो अभी रेसलिंग होने वाला है यहाँ पे, 14 इंटरनेशनल हॉर्नबिल नागा रेसलिंग। भाई साहब ये वाला मैच देख के काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, दोनों को देखो यार, दोनों एकदम हाथी है, ये भी आटी है, ये भी आटी है, दोनों भी आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों भी कितना ज्यादा स्ट्रांग है। रेसलिंग चैंपियन ऑफ द NWE चैंपियनशिप, अरे अरे अरे, ओ भाई साहब ये वाला मजा आ गया देख के। ये वाला भैया जीत गया पहला राउंड में, थैंक यू सो मच। ये देखो और एक बुक मिल गया, पहले भी आप लोगों को एक दिखाया था, ये शायद कुछ है पढ़ेंगे बाद में, अभी टाइम नहीं है। सो गाइस, मैंने पहले बोला था ना आप लोगों को, यहाँ पे एक म्यूजियम है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर का बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो मैं अंदर में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ इस म्यूजियम में आखिर क्या क्या है। पहले नाम देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा गया है सही सलामत, सो उस म्यूजियम के अंदर मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, तो चलो। तो अभी मैं म्यूजियम के अंदर जाने वाला हूँ, और वैसे मास्क लगा रहा हूँ क्योंकि विदाउट मास्क नो एंट्री है। भैया एक टिकट कितना है? 10 रुपया है ना भैया, तो एक
तो यार अभी मैं म्यूजियम के अंदर गया यार, ऐसा ऐसा चीजें देखा ना यार, मैं शॉक हो गया हूँ यार, और मुझे सोच के भी डर लग रहा है यार, उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुआ होगा जब वोल्वर हो रहा था। बहुत सारी चीजें देखा और कुछ कुछ चीजें कैप्चर भी किया है, वो आप लोग देख लो। यहाँ पे जितना पेंटिंग है सब हाथ से बनाया गया है क्या? हाँ। सब हैंडमेड है। चलो अपना नाम लिख देते, ये सब देखो यार, सब हैंडमेड है, टच नहीं करूंगा फिर खराब हो जाएगा। और ये सब देखो क्या आर्टिस्ट है यार, आजकल का आर्टिस्ट तो आजकल का नहीं यार, आर्टिस्ट लोगों का बात ही कुछ हो रही है, वो लोग क्या क्या बना देते हैं यार, मेरा तो सारा जिंदगी में भी मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा ये सब। और यहाँ पे देखो बहुत सारा पेंटिंग बनाया गया है, और क्या क्या पेंटिंग है उसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ बस। ये क्या है, ये क्या है, वो रंग सा वर्क टाइटल अनटाइटल मीडियम मेटल। अच्छा भाई देखो रोबोट बनाया जा रहा है ये सब देखो। सो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारा यूट्यूबर मिला पता है, मैंने सबके हाथ पे देखा महंगा महंगा कैमरा। सो मैं बस ये वाला बात आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ ना, बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग सोचते हैं दूसरे के पास बड़ा बड़ा कैमरा देख के, वो लोग सोचते हैं कि अरे सिर्फ अगर ग्रो करने के लिए बड़ा कैमरा का ही जरूरत होता है, बड़ा कैमरा का जरूरत नहीं होता यार, मेहनत करो यार, क्योंकि लोगों को क्या पसंद है, आपका व्यूवर्स आपका पब्लिक क्या चाहता है, आपका मेहनत देखना चाहता है। हम तो बस एक फोन से वीडियो बनाते हैं, ट्राइपॉड भी यूज नहीं करते, हाथ से बनाते हैं, बड़ा कैमरा भी हमारे पास देखिए, फिर भी पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों का देखो, देख रहे हो फोन लेके एकदम, वो भी मेरा नया फोन भी नहीं है, मैं रियलमी का फोन पकड़ता हूँ, वो आईफोन वाईफोन भी नहीं है, फिर कॉन्फिडेंस लेवल अपना एकदम हाई है। तो चलो दिखाता हूँ बैम्बो पवेलियन, और वहाँ पे क्या क्या दिखाते नकल हो गई है, ये तो हाथ पर बनाई नहीं। सो एक बार आप लोग देखो, ये तो छुई जिन चाह पारे की बस्तु पर बनाई था, अरे यार आप लोग देखो, मैंने सोचा यार कुछ सिल्वर विल्वर लोहा वोहा से बनाया गया, बट सच बोल तो इसको किस से लकड़ी से बनाया गया बस, और कितना सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पे आर्ट किया गया, आप लोग देखो, आप लोग सेल कर, अरे मैंने बहुत जगह घुमा बट मॉडर्न ड्रेस तो मुझे यही पे दिखा सिर्फ, मतलब सबसे यूनिक किया आप लोगों ने, सब लोग ट्रेडिशनल कर रहे हैं, आप लोग यूनिक मतलब मॉडर्न वाला कर दिया ना, देखो मॉडर्न शॉप भी है यहाँ पे, आप लोग अच्छा अच्छा टी शर्ट से लेके बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, कैप भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, बट अभी हम लोग को नहीं चाहिए। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख के आ रहे हो तो जरूर एक बार विजिट करना, आपको स्टोर का नाम बता दो, ये वाला देखो, अब वो बेम्बो का कुछ मैंने दिखाया था ना, वहां से आप लोग एंट्री करते हैं, ये वाला शॉप मिल जाएगा, देखो बहुत सुंदर है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैमरे में नहीं बोल रहा हूँ, रियल में भी बहुत सुंदर है, आके एक बार देखो, और यहाँ से टी शर्ट जरूर लेके जाना, खाली हाथ में जाना, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ, बस यहाँ पे हो रहा है कल्चरल टैलेंट शो यार, क्या मस्त ड्रेस यार इन लोगों का देखो, और बहुत सारे लोग है यार, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है कल्चरल, बट इतना भीड़ है ना, मैं अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ, कैमरे में भी कुछ कैप्चर कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं बाहर से दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ है ये वाला, जहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट होता है ना, मुझे सबसे बेस्ट ये वाला लगता है, बताए इस वाले में एकदम पानी वानी पियो, राइस बियर पियो, काफी ज्यादा टेस्ट लगेगा। ये देखो हैंडमेड है ये सब, और ये भी देखो मैंने टच कर दिया यार, गाली वाली नहीं देने से हो गया, ये देखो बहुत सारा सामान साइज सब हैंडमेड है, और ये सब देखो ना यार, पर ओरिजिनल नहीं लग रही क्या, पता नहीं। आप लोग कौन सा ट्राइब से हो? संगम ट्राइब से। संगम ट्राइब। हाँ, वो नागा से नहीं आता? हाँ, नागा, नागा का एक मेजर ट्राइब है, वो ईस्टर्न, ईस्टर्न नागा, म्यांमार बॉर्डर। सो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आप लोग, आप लोगों का कॉस्ट्यूम तो सबसे पासा बोल, बहुत सुंदर है, और आप लोग कौन सा ट्राइब बोले थे? संगम ट्राइब से है। संगम, 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 संगम ट्राइब का लड़कियां भी काफी खूबसूरत होते हैं। शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए यार आप लोगों को, मतलब आप लोगों के बारे में जान भी पाया, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यार, नागालैंड यार, नागालैंड की तरह जगह आप लोगों ने नहीं देखा यार, यहाँ का लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, और बहुत सुंदर लड़कियां भी होते हैं, वो दूसरा बात है। चलो भाई मिलेंगे भाई बात में।
सो आपको पता है मुझे हंसी मजाक करना पसंद है, बट हमेशा नहीं करता हूँ मैं, ना मेरा मूड होते तक करता हूँ। अभी मेरा एकदम फुल ऑफ मूड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अभी। आई कैन डू एवरीथिंग विद माई रियलमी फोन, सस्ता फोन। भाई ये एरिया इतना ज्यादा भरा है ना यार, मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा हूँ जो अभी ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, नहीं मिला अभी तक। ये चांग ट्राइब, ये रियल है क्या? टच करके देख सकते ना, वाह मेरे को लग रहा हूँ ना एकदम, क्या बोलता है शूटर, किसको थोपना है बता। यहाँ से क्या व्यू मिल रहा है देखो, तो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये है कोयांग मुरुंग बेटर, थैंक यू। भाई साहब आई एम फ्रॉम असम, आप लोग कौन सा टाइप से हो? कुंजंग नगा है, कुंजंग नगा देखो यार। मैं सच बोलता हूँ ना, नागालैंड काफी ज्यादा बड़ा है, और नागालैंड के बारे में अगर पूरा जानना हो ना तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ का जो स्टोरी है ना भाई, क्या बोलता बोलू। आप लोग जब यहाँ का स्टोरी के बारे में जानोगे ना, आप शौक हो जाओगे यार। आप लोग कौन सा ट्राइब से हो यार? नागाई है ना? नागाई है, नागा में इतना सारा ट्राइब है ना, 16 ना। कॉस्ट्यूम तो आप लोगों का काफी ज्यादा सुंदर है यार, थैंक यू सो मच। और वैसे हैंडसम भी आप ना, आपके साथ तो काफी ज्यादा सूट भी कर रहे हैं। और ये है जैसे कि रेंगमा ट्राइब का मोरुंग, मोरुंग बोलते हैं ना इसको। हाँ ये देख लो, बार बार बोलता है यार, यहाँ का लोग काफी ज्यादा अच्छा है। बोलो बैठ के यहाँ पे खा रहा है, पी रहा है, मजे कर रहे है, जिंदगी का असली मजा आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल में मिलेगा। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जितना भी ट्राइब नागालैंड पे है, सो सब लोग ट्राइब अपना अपना मतलब ट्राइब का गेम से लेके सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। भाई ये सब देखो, मैं दिखाता हूँ यार, वो देखो वहाँ पे कौन सा ट्राइब है वो तो मुझे नहीं पता, बट गेम टाइप का वो लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब उन लोगों का ट्राइब में ये गेम खेला जाता है शायद, तो वो पूरा कितना सारा लोगों के सामने दिखा रहे हैं। सो गाइस मेरे से जितना कुछ हुआ ना, मैंने सब कुछ आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया, और मैं बहुत कुछ दिखा भी नहीं पाया यार, कसम से मैं एक ही रास्ते पे बार बार भटक जाता हूँ, पता है मैं किधर से घुस रहा हूँ किधर से निकल रहा हूँ पता नहीं चल रहा है। सो ये देखो अभी आप लोगों ने ये वाला प्रोग्राम भी देख लिया, जहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट होता है, पर दिन को वो लोग अपने कल्चरल प्रोग्राम करते हैं टू नागालैंड। सो अभी मुझे निकलना होगा, उसे जितना हो सके मैंने आपको दिखाया, और सच बोलूँ ना एक वीडियो में ना नागालैंड के बारे में बताना वो इम्पॉसिबल है यार, यहाँ का ट्राइब यहाँ का स्टोरी बहुत कुछ चीजें आप लोगों को शायद मैंने 10% भी नहीं बताया, और कोई भी ऐसा यूट्यूबर या कोई भी ऐसा फिल्म नहीं बन सकता, एक ही मूवी में तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता नागा ट्राइब के बारे में यार। तो पर इतना बार बार बोलता हूँ नागालैंड बहुत अच्छा है यार, यहाँ का लोगों का हॉस्पिटलिटी बार बार बोल रहा हूँ मुझे, क्योंकि मुझे फील हुआ यार, मैं कल रात जहाँ पे ठहरा हुआ था ना सब कुछ फ्री, पानी भी लेता हूँ ना मिनरल वाटर, उसका भी पैसा नहीं लेता है, खाना खाया है वो खाए वो खाए, ठहरा एक रुपया भी नहीं लिया मेरे से, सब कुछ फ्री। सो यार वो वाला गाड़ी स्विफ्ट वाला गाड़ी हमारा गाड़ी है, सो हमारा दोस्त लोगों को भी दिल से शुक्रिया यार, अगर वो लोग नहीं होता ना शायद ये वाला वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता नहीं यार, उन लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, हेल्प भी किया,
तो वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, निकलने वाले हैं यहाँ से।